हमीरपुर शहर के नदौन चौक में महंगाई के खिलाफ भारत बंद के आह्वान पर कांग्रेस ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। वर्सा के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल व अन्य कांग्रेस नेता शहर में रैली निकालते हुए गांधी चौक पर पहुंचे। यहां पहले ही सिट्टू का धरना चल रहा था, इस पर कांग्रेस नेता व पदाधिकारी नदौन चौक पर धरना देकर प्रदर्शन करने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वर्सर के कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल सहित 23 अन्य कांग्रेस नेताओं को नदौन चौक पर यातायात बाधित करने के आरोप में गिरफ्तार किया और बाद में रिहा कर दिया। पुलिस ने वर्सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव राणा, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, एसटी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार, प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुनील बिट्टू, प्रदेश कांग्रेस सेवादल के प्रवक्ता नरेश लखनपाल, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल, जिला कांग्रेस सेवादल हमीरपुर मदनलाल क्वांटल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पठानिया, बड़सर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत कुमार व अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। सदर थाना प्रभारी संजीव गौतम ने बताया कि पुलिस को सूचना दिए बिना धरना दिया गया है, इससे यातायात बाधित होने पर यह कार्रवाई की गई है। और नरेंद्र मोदी की सरकार को चेताते हैं कि 2019 में ये जो आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर शुरू किया है, उनके लिए ये जाने का रास्ता तैयार किया है कांग्रेस पार्टी ने। और ये बहुत अहम मसला है। जिस समय मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, वो कहा करते थे कि पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसमें केंद्र सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, नोटबंदी इस देश में लागू नहीं होनी चाहिए, जीएसटी इस देश में लागू नहीं होनी चाहिए, एफडीआई इस देश में लागू नहीं होनी चाहिए, आधार कार्ड इस देश में लागू नहीं होने चाहिए, ये उनकी वीडियो क्लिप्स भी हैं और उन्होंने ये अपने संवाद में कहा भी है। और आज वो बड़े जोर जोर से प्रचारित करते हैं कि नोटबंदी जो है वो सही फैसला था, जीएसटी जो है वो सही फैसला था और एफडीआई जो है वो सही फैसला था। तो ये सारे के सारे फैसले जो यूपीए सरकार के समय में लिए गए थे, आज मोदी ने उनके ऊपर मोहर लगाई और उसका उन्होंने गलत उपयोग करते हुए देश को जो है आर्थिक कंगाली पे खड़ा कर दिया। इस प्रकार से निरंतर रेट बढ़ते जा रहे हैं, रोजाना गुपचुप तरीके से कभी 12 पैसे, कभी 18 पैसे, कभी 50 पैसे निरंतर वृद्धि होती जा रही है। और उस समय इन्हीं के नेता गले में बड़े बड़े सिलेंडर लटकाकर, सिलेंडर की फोटोएं लटकाकर आंदोलन करते थे कि गैस वृद्धि हो गई। उस समय तो हमारे समय में कुल 400 रुपये का सिलेंडर मिलता था और आज सिलेंडर की जो कीमत है वो 910 रुपये हो गई है और पेट्रोल जो है वो 85-86 रुपए लीटर मिल रहा है और डीजल जो है वो 73 रुपए मिल रहा है। और सबसे बड़ा जो हमारे देश का जो रुपया है, आज उस रुपए की कीमत कहाँ पहुंच गई है। डॉलर जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर केंद्र सरकार का कोई निर्णय सामने नहीं आ रहा है और केंद्र सरकार ये दलीलें दे रही है मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कि रुपया के गिरने से देश की आर्थिकी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि सच्चाई ये है कि जैसे जैसे पैसा रुपए की कीमत गिरती जाएगी वैसे वैसे जो हमारे विदेशी ताकतें हैं वो बहुत ज्यादा हावी होती जाएंगी और देश जो है आर्थिक कंगाली पर पहुंच जाएगा। दो टाइम की वक्त की खाना नहीं खा पा रहा है, बेरोजगार लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसके लिए मोदी सरकार ने कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया, कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई। उन्होंने प्लानिंग आयोग का नाम हटाकर नीति आयोग तो बना दिया, लेकिन देश को चलाने के लिए क्या नीति बनाई इसका कोई उन्होंने आज तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। और जवाब देने से भी कतराते हैं, केवल मात्र उनका एक नारा होता है कांग्रेस पार्टी को गाली देना, चाहे वो आरएसएस के लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हैं, चाहे अमित शाह हैं। आज बड़ी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर कि हम 50 साल सत्ता में रहेंगे। अभी 2019 तो आने दो, 50 साल क्या, आपको तो 5 साल ढोते ढोते देश की जनता जो है कंगाल हो गई है।